शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच आर पार की जंग जारी है। दोनों ने आज ही के दिन विधायकों की बैठक बुलाई। अजीत की बैठक में एनसीपी के 35 विधायक और शरद की बैठक में महज 7 विधायकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अब अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया है, याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनसीपी अजीत पवार को ही मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज हम चुनाव आयोग का वो गणित समझेंगे जिस गणित से शिंदे को शिवसेना मिली। क्या उसी गणित से शरद से अजीत पवार एनसीपी छीन लेंगे? सवाल है कि अजीत पवार को एनसीपी और उसके सिंबल पर दावा ठोकने के लिए किसके पास जाना होगा? जवाब है कि राजनीतिक पार्टियों में बंटवारों की दो स्थितियां होती हैं। पहली, जब विधानसभा सत्र चल रही हो, इस स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा के स्पीकर के पास होता है, ऐसे में दल बदल कानून भी लागू होता है। और दूसरी, तब जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र के हालात हैं, ऐसे वक्त में कोई फूट होती है तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग का यह अधिकार द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 से मिलता है। दूसरा सवाल है कि चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कि पार्टी सिंबल शरद पवार को मिले या अजीत पवार को? जवाब है कि चुनाव आयोग में मामला पहुंचने पर वह पार्टी में वर्टिकल बंटवारे की जांच करता है, जिसमें विधायिका और संगठन दोनों देखे जाते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियों की और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है। इससे जानने की कोशिश करता है कि इसमें कितने मेंबर्स या पदाधिकारी किस गुट में हैं। इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं। ज्यादातर मामलों में आयोग ने पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला दिया है, लेकिन अगर किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थन को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता है तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। तीसरा सवाल उठता है कि कुछ महीने पहले शिवसेना पर उद्धव और शिंदे दावा कर रहे थे, आयोग ने आखिरकार एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी, उसके पीछे क्या गणित था? दरअसल में जब इस साल फरवरी में शिंदे शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग ने विधायिका के आधार पर फैसला दिया था, अपने 78 पेज के फैसले में आयोग ने कहा था कि विधानमंडल के सदन से लेकर संगठन तक बहुमत शिंदे गुट के पास दिखा है, ऐसे में पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक यानी सिंबल धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। आयोग के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे और उनकी पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। एकनाथ शिंदे गुट के पास यूनाइटेड शिवसेना के टिकट पर जीतकर आए कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक थे। पार्टी में कुल 47,82,440 वोटों में से 76% यानी 36,57,327 वोटों के दस्तावेज शिंदे गुट ने अपने पक्ष में पेश कर दिए। इसके साथ शिवसेना के 12 सांसद भी थे। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पर पारिवारिक विरासत के साथ ही राजनीतिक विरासत का दावा करते हुए 15 विधायकों और कुल 47,82,440 वोट में से सिर्फ 11,25,113 वोटों का ही दस्तावेजी सबूत पेश कर पाए थे, यानी कुल 23.5% वोट ही ठाकरे गुट के पास था। ठाकरे गुट के पास शिवसेना के सिर्फ 15 विधायकों का समर्थन था, यानी कम विधायक होने के चलते उद्धव गुट को पार्टी सिंबल और नाम से हाथ धोना पड़ गया था। चौथा सवाल उठता है कि इस आधार पर देखें तो पार्टी अजीत पवार की सिंबल पर दावा कितना मजबूत ठोकती है? जवाब है कि एनसीपी में अभी कुल 53 विधायक हैं। अजीत पवार गुट के छगन भुजबल ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया है, यानी 75% विधायक अजीत गुट के पास है। बाकी सारे विधायक शरद गुट के साथ भी मान लें तो उनकी संख्या 25% से कम है। अजीत पवार ने बुधवार को बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी के एमईटी सेंटर में एनसीपी नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी। बैठक में 35 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने का दावा किया गया। वहीं शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर यानी एनसीपी दफ्तर में बैठक की। शरद पवार की बैठक में 7 विधायकों के पहुंचने का दावा किया गया है। अजीत गुट ने 29 विधायकों के नाम भी दिए, जिनमें अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, नरहरी झिरवाल, दिलीप मोहिते, अनिल पाटिल, माणिक राव कोकाटे, दिलीप वालसे पाटिल,
अदिति तटकरे, राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्राम, अन्ना बंसोड़, नीलेश लंके, इंद्रनील नाइक, सुनील सेलंके, दत्तात्रेय भरणे, संजय बंसोड़, संग्राम जगताप, दिलीप होना, सुनील टिंगरे, सुनील सलके, बाला साहेब अजाबे, दीपक चौहान, यशवंत माने, नितिन पवार, शेखर निकम, संजय सिंधे और राजू शामिल हैं। विधान परिषद सदस्यों की अगर बात की जाए तो अमोल मिटकारी, रामराजे निवालंकर, अनिकेत तटकरे, विक्रम काले शामिल हैं। अजित गुट के छगन भुजबल ने कहा कि हमारे पास 40 विधायक हैं, कई विधायक ट्रैफिक में फंसे हैं, कुछ विदेश में हैं, लेकिन उनके एफिडेविट हमारे पास हैं। लोग कह रहे हैं कि दल बदल कानून लागू होगा, कार्रवाई होगी, सब कुछ विचार करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। फिलहाल इन दावों से साफ है कि पार्टी सिंबल अजित को ही मिल सकता है। पांचवा सवाल उठता है कि चुनाव आयोग में मामला जाने के बाद पार्टी सिंबल पर कितने दिनों में फैसला आ सकता है? जवाब सुनते चलिए। चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में पेश फैक्ट्स, दस्तावेज और हालात की स्टडी करने में समय लग सकता है। चुनाव आयोग से फैसले की कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग की स्थिति में आयोग पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर सकता है, साथ ही दोनों गुटों को अलग अलग नामों और अस्थायी सिंबल पर चुनाव लड़ने की सलाह दे सकता है। सवाल है कि भविष्य में अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच सुलह हो जाती है तो पार्टी सिंबल की अपील का क्या होगा? ऐसी स्थिति में यदि दोनों गुटों में सुलह हो जाती है तो फिर से वे चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं, साथ ही एक पार्टी के रूप में पहचान की मांग कर सकते हैं। आयोग के पास गुटों के मर्जर को एक पार्टी के रूप में मान्यता देने का भी अधिकार है, यानी पार्टी फिर से अपने सिंबल और नाम का इस्तेमाल कर सकेगी। सवाल है कि 1968 से पहले ऐसे मामलों में क्या होता था? तो जवाब सुनिए। 1968 से पहले चुनाव आयोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता था। 1968 से पहले सबसे हाई प्रोफाइल मामला 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई में टूट का था। सीपीआई से अलग हुआ एक गुट दिसंबर 1964 में चुनाव आयोग पहुंचता है और उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। इस दौरान इस गुट ने आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के उन सांसदों और विधायकों की सूची प्रदान की जिन्होंने उनका समर्थन किया। चुनाव आयोग ने इस दौरान अपनी जांच में पाया कि इस गुट का समर्थन करने वाले सांसदों और विधायकों के वोट 3 राज्यों में 4% से ज्यादा थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस गुट को सीपीआईएम के रूप में मान्यता दे दी। सवाल है कि 1968 के आदेश के बाद के पहले के मामले में क्या हुआ था? जवाब है कि 1968 में नया नियम आने के बाद पहला मामला कांग्रेस में फूट का था। 1969 में कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत होती है। उपराष्ट्रपति बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाने का चलन था, लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट ने इस विचार को खारिज कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी और दिग्गज नेताओं के ताकतवर गुट कांग्रेस सिंडिकेट के बीच तनातनी नजर आने लगी। सिंडिकेट नेता के कामराज एस निजलिंगप्पा और अतुल्य घोष नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाते हैं। रेड्डी सिंडिकेट के करीबी थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी को निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष निजलिंगप्पा की ओर से जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए पार्टी नेताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने को कहा। गिरी के राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही इंदिरा को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में पार्टी निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली ओल्ड कांग्रेस और इंदिरा के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस में बट जाती है। चुनाव आयोग ने ओल्ड कांग्रेस को 2 बैलों की जोड़ी का सिंबल बरकरार रखा, वहीं इंदिरा गुट को गाय और बछड़ा का सिंबल दिया गया। इस वीडियो को देखने के बाद चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी में छिड़ी जंग को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ एनसीपी के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नमस्कार।